आज पहली बार बर्तन धोने का फायदा हुआ। पड़ोसन बीवी से बोली, काश ये मेरे पति होते। और रात को बीवी मुझसे बोली, खबरदार आज के बाद आपने बर्तनों को हाथ लगाया, अगर बर्तनों के पास भी चले गए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छी होती है पर ये स्कूल वाले होमवर्क दे देते हैं ना, सारा मजा बिगाड़ देते हैं। इन अमेरिका प्लीज गिव मी वन बटर स्कॉच, टू वेनिला, वन चॉकलेट विद नट्स। भारत में भैया एक 5 वाली डब्बी देना, 2 10 वाली और 2 वो दे दो जो परसों खाई थी, और जो ये बंदा खा रहा ना ये वाली भी एक डब्बी दे ही दो। जब मैं छोटा था तब माँ की कोई भी सहेली मेरी तारीफ करती तो माँ कहती, ले जा 4-5 दिन रख ले इसको, तब पता लगेगा तेरे को। कल पत्नी की सहेली घर में आई, मुझसे मिलके बोली, तुम्हारे पति कितने अच्छे हैं ना, पर पत्नी के मुंह से एक बार भी नहीं निकला कि जा ले जा रख ले इसको 4-5 दिन। माँ तो माँ ही होती है साहब। सुना था कि वाइफ को बहस से नहीं हरा सकते, उसे हराना है तो मुस्कुराहट से हराओ। मैंने आज कोशिश की, लो सुन लो जवाब। आजकल ज्यादा ही हंसी का भूत चढ़ा हुआ है आपके ऊपर, लगता है आपका ये भूत उतारना पड़ेगा। कोई नया शेर सुनाओ ना आज। अच्छा तो ये लो सुनो फिर। संगमरमर से तराशा खुदा ने तेरी सूरत को, संगमरमर से तराशा खुदा ने तेरी सूरत को। वाह 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 वाह, आगे सुनाओ। बाकी बच्चा पत्थर के उसने तेरी अकल भी रख दिया। अगर किसी को सैलरी ज्यादा बताता हूँ तो वो पैसे मांग लेता है, और अगर किसी को मैं सैलरी कम बताता हूँ तो वो इज्जत नहीं करता। अब ये समझ नहीं आ रहा कि मैं सैलरी बचाऊं या इज्जत। आँखों को उसी का इंतजार है। कितनी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, बेचारी एक हाथ से सारे घर का काम करती है, खाना बनाती है, चाय बनाती है, और दूसरे हाथ से फोन में व्हाट्सएप और टिकटॉक चलाती है।